सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं तुरई की एक बहुत ही टेस्टी सब्जी। और ये सब्जी बहुत ही बेसिक सिंपल मसालों से बनती है, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी भी है। तो आइए हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो 1.5 किलो मैंने तुरई लेके उसको छील लिया था, फिर उसके बाद मैंने उसे अच्छे से धोकर और इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। कोई एक खास किसी शेप में नहीं काटना है, जिस तरह से भी चाहे आप काट लें, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से गला के और इसको मैश सा कर लेंगे। उसके अलावा 4 मीडियम साइज के मैंने प्याज लेके इसको भी रफली चॉप कर लिया है, बहुत बारीक भी नहीं और बहुत मोटी भी नहीं। 4 मैंने देसी टमाटर लिए हैं, थोड़े खट्टे वाले हैं, अगर आपको मिल जाए तो आप ये ले लीजिएगा, इन्हें भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। 3 टीस्पून मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 4 हरी मिर्चें, 3 ही टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये सब्जी मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में ताकि ये झटपट से बन जाए, और अगर आप चाहें तो इसको कुकिंग पॉट में भी बना सकते हैं। तो प्रेशर कुकर में मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल और उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है, अब मैं डालती हूँ इसके अंदर जीरा और जीरे को कुछ सेकंड में पकने दूंगी। जीरा थोड़ा सा पक गया है, अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर प्याज और प्याज को मैं बस हल्का सा गुलाबी करूंगी, ना तो गोल्डन फ्राई करना है और ना ही कुछ और थोड़ा ज्यादा पकाना है, बस इतना पकाना है कि प्याज का थोड़ा सा कच्चापन खत्म हो जाए। तुरई के साथ प्याज की क्वांटिटी अगर थोड़ी ज्यादा हो तो काफी अच्छी लगती है, खट्टी मीठी सी सब्जी बनती है। तो जितनी आप प्याज लेंगे उसी हिसाब से आप टमाटरों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, अगर आप 4 से ज्यादा लें तो टमाटर भी इससे ज्यादा ही कर लीजिएगा। तो प्याज हमारी हल्की गुलाबी हो गई है, अब मैं डालूंगी इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे भी कुछ सेकंड में भून लूंगी। अब मैं डाल लेती हूँ इसके अंदर टमाटर, साथ ही हरी मिर्च भी डाल दूंगी, इसमें थोड़ी ज्यादा हरी मिर्च अच्छी लगती है, अगर आप इसको और ज्यादा बढ़ाएं तो फिर कुटी हुई मिर्चों को थोड़ा कम कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पका लेती हूँ। टमाटर मैंने 2 से 3 मिनट भून लिए हैं, हल्के से सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब मैं डाल देती हूँ इसमें सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, इन्हें मिक्स कर लेती हूँ और 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून के करीब मैं पानी डाल दूंगी और 5 मिनट मैं इनको अच्छे से पकने दूंगी ताकि जो टमाटर और प्याज वगैरह सब बहुत अच्छे से पक जाए। मसाले को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं, ये काफी हद तक सॉफ्ट भी हो गया है। अब डालेंगे हम इसके अंदर तुरई, तुरई के अंदर हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि तुरई अपना ही बहुत ज्यादा पानी छोड़ती है। और देखिए अभी कितना ज्यादा कुकर फुल लग रहा है हमें, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाएगी ये काफी हद तक कम हो जाएगी। तो 2 मिनट में पहले इसे ऐसे ही भून लेती हूँ। सब्जी को मैंने 2 मिनट अच्छे से भून लिया है, अब मैं इसको गलाऊंगी। तो पहले मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी लूंगी, फिर लो फ्लेम पर मैं 10 से 12 मिनट इसे पकने दूंगी या फिर जब तक हमारी तुरइयां अच्छे से गल नहीं जाती। तो ये देखिए तुरइयां हमारी गल गई हैं, लेकिन इसमें काफी ज्यादा पानी हो गया है। अब हम अपनी गैस को दोबारा ऑन कर लेते हैं और आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी यूज कर सकते हैं या फिर इसके पानी को थोड़ा सा ड्राई कर सकते हैं। तो मैं इसके पानी को थोड़ा खुश्क करूंगी और अपनी फ्लेम को मीडियम टू हाई रख के इसको भून लूंगी।
तुरैया तकरीबन भुन ही गई है। ये देखिए कितनी कम हो गई है, जब हमने इसमें डाली थी प्रेशर कुकर में तो ये तकरीबन भर ही गया था, और अब ये देखिए एक चौथाई के करीब रह गई है। दो मिनट में इन्हें और भूनूंगी, उसके बाद मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो देखिए तैयार है हमारी तुरई की सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनी है, और देखिए कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी है, बहुत ही हेल्दी भी है ये। तो एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।